अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हॉट फ्लेम। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ पोटैटो ब्रेड कटलेट्स। बहुत ही जल्दी बन जाने वाली डिश है और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो बहुत ही अच्छी है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें डलेंगी। इसके लिए मैंने लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के पोटैटोज़। इनको मैंने बॉयल करके पील करके रख लिया। 4 ब्रेड स्लाइसिस लिए हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1/2 टीस्पून सॉल्ट यानी नमक, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून क्रश्ड रेड चिलीज, 1/2 टीस्पून क्यूमिन सीड्स यानी कि ज़ीरा और 2 टेबलस्पून मायोनीज। नमक और मिर्च आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए होंगे 2 अंडे इसकी कोटिंग के लिए और साथ में ब्रेड क्रम्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आलूओं को हम या तो मैश कर लेंगे तो या फिर हम इनको कश कर लेंगे। तो चलिए हम इनको कश करते हैं। इस तरह से हम आलूओं को कश कर लेंगे ताकि उनके अंदर कोई भी लंप बाकी ना रहे। आलू तमाम ये देखिए कश हो गए हैं, बहुत अच्छी सी इनकी पेस्ट बन गई है। अब हम इसमें ये तमाम सीजनिंग ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून क्यूमिन, 1/2 टीस्पून क्रश्ड रेड चिलीज एंड 2 टेबलस्पून मायोनीज। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके इस तरह से इन तमाम चीज़ों को डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आलूओं को हमने मिक्स करके रख लिया। अब हम ब्रेड स्लाइसेस की कटिंग करेंगे। इनके हम तमाम ब्रेड स्लाइसेस के किनारे काट लेंगे इस तरह से। बिल्कुल पतले पतले से इनके किनारे उतारने हैं। तमाम ब्रेड के जो स्लाइसेस हैं उनके किनारे हमने काट लिए। अब हम इनके ऊपर फिलिंग लगाएंगे इस तरह से। फिलिंग को हमने तकरीबन 1/2 इंच जितनी थिकनेस के साथ लगाना है। बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा नहीं लगाना। ये देखिए यूं इतनी थिकनेस के साथ आपने तमाम ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर ये अपनी फिलिंग लगा लेनी है। देखिए 4 स्लाइसेस के ऊपर फिलिंग लग चुकी है। अब हम इसको स्मॉल स्क्वायर्स में यूं कट कर लेंगे इस तरह से। ब्रेड के स्लाइसेस को हमने स्मॉल पीसेस में, स्क्वायर पीसेस में इस तरह से काट लिया है। अब हम करेंगे इसकी कोटिंग इस तरह से। ये हमने 2 एग्स को बीट कर लिया अच्छी तरह से और ये हैं ब्रेड क्रम्स। तो सबसे पहले हम इसमें एग में इसको डिप करेंगे। यहाँ से रखेंगे हम इसमें। और इसको अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे और इस तरह से ये हमारे स्लाइसेस रेडी हो जाएंगे। फिर एक एक करके तमाम स्मॉल पीसीस को
इसी तरह से हम एग और ब्रेड क्रम्ब में रोल करके तैयार कर लेंगे। तमाम ब्रेड के पीसेस जो हैं उनकी हो चुकी है कोटिंग, अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने एक पैन में हाफ कप ऑयल डाला है, क्योंकि हमने इसको डीप फ्राई नहीं करना। तो एक एक करके जैसे ही वो गर्म हो जाएगा ऑयल, हमने मीडियम टू स्लो हीट रखनी है और इसके ऊपर फिर एक एक करके हम ये ब्रेड स्लाइसेस रखते जाएंगे। ये एक टाइम में हम 5 स्लाइसेस जो हैं कटलेट्स हमारे वो डाल देंगे। तकरीबन हाफ मिनट के लिए एक साइड को हम उसको पकने देंगे, उसके बाद हम उसकी साइड चेंज करेंगे। हाफ मिनट हो गया है, देखिए नीचे से वो गोल्डन होना शुरू हो गए हैं। इस तरह से हम उनकी साइड चेंज करते जाएंगे। देखिए उनके ऊपर कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आया है। इसी तरह से हाफ मिनट तक हम दूसरी साइड को पका लेंगे, या उतना गोल्डन करेंगे जितना आपको पसंद है। आपको इतना ऑयल कम से कम डालना है, वरना इसके ये जो साइडें हैं वो उन पर से अंडा पकेगा नहीं। चलिए जी, दूसरी साइड को भी हाफ मिनट हो चुका है, हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। ये देखिए दूसरी साइड भी गोल्डन हो चुकी है। अब हम एक प्लेट में एब्जॉर्बिंग पेपर डालेंगे और उसके ऊपर हम इन कटलेट्स को निकाल कर रख लेंगे। तो डिश आउट हो गए हैं मज़ेदार से पोटैटो ब्रेड कटलेट्स, जो देखने में भी बहुत खूबसूरत हैं और खाने में भी बहुत मज़े के हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मैं आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार करूँगी। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़।